जरा अभी हो रही है बारिश, और गाइस बारिश का पानी जो होता है वो हम माना जाता है कि सबसे ज्यादा शुद्ध पानी होता है। तो गाइस शुद्ध पानी होता है, लेकिन हम लोग इस पानी को कभी पीते ही नहीं है, क्योंकि हम लोग गाइस सिर्फ ग्राउंड वाटर यानी जो जमीन से पानी निकालते हैं उसको ही सिर्फ पीते हैं, और उसको भी फिल्टर करके गाइस पीते हैं। लेकिन ये जो पानी होता है गाइस बारिश का पानी, ये शुद्ध होता है, लेकिन इसको हम लोग नहीं पीते हैं, और शायद से कोई इसका टेस्ट भी नहीं जानता होगा कि इसका टेस्ट कैसा होता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग यही चेक करने वाले कि ये जो बारिश का पानी है ये शुद्ध है, तो इसके अलावा ये पिया जा सकता है यानी कि ये ड्रिंकेबल है या फिर नहीं। तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जब मदर वीडियो पर आते आते हैं। गाइज इस बारिश के पानी को चेक करने के लिए गाइज हम लोग को सिंपली इस बारिश के पानी को कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए सिंपली हमारे पास यहाँ पर एक ग्लास जिसको हम लोग इसको कलेक्ट करने वाले हैं, और इसको गाइज कुछ किस तरीके से कलेक्ट करना तो गाइज इम्पॉसिबल सा बात हो, क्योंकि बारिश के पानी गाइज गिरती है सारे जगह पर डिवाइड हो जाती है, इसके कारण इसमें पानी भरने बहुत ज़्यादा टाइम लगा, तो इसीलिए गाइज हम लोगों ने यहाँ पर कुछ आइडिया लगाया, एक थैली यहाँ पर ले लिया है, और इसके अंदर गाइज हम लोगों ने पानी बारिश का कलेक्ट कर लिया है, और गाइज यहाँ पर इसी पानी को हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ही बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी, लेकिन अभी बारिश का गाइज कोई गारंटी नहीं होता है कि वो कब तेज़ रहेगी और कब स्लो हो जाएगी, तो इसीलिए गाइज हम लोग ने इसको पहले ही यहाँ पर कलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पर इसी के अंदर बारिश का पानी एकदम कलेक्ट है, और यहाँ पर ये इसी के अंदर आ रहा है सारा पानी, और इसी पानी को गाइज हम लोग यहाँ पर चेक करने वाले हैं, और इस एक ग्लास में लेने वाले हैं नॉर्मल ग्राउंड फ्लोर वाला गाइज पानी, और यहाँ पर लेने वाले हैं ये जो डायरेक्ट आसमान से बादलों से गाइज बारिश आ रहा है वो वाला पानी। तो गाइज चलिए अब इसका कंपैरिजन करते हैं, तो पहले इसके अंदर से ये वाला पानी निकालते हैं यहाँ पर, चलिए इधर कीजिए थोड़ा। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पानी हम लोग ने यहाँ पर कलेक्ट कर लिया, थोड़ा सा यहाँ गाइज यहाँ पर कचरा वगैरह आ गया है, तो इसको पहले सबसे पहले क्लीनिंग कर लेते हैं। गाइज यहाँ पर ये जो पानी है डायरेक्ट बादलों से आया हुआ है, जिसको हम लोग ने इस पॉलिथीन में गाइज कलेक्ट कर लिया था, और उसके बाद गाइज हम लोग ने इस ग्लास में इसको डाल लिया, इसको थोड़ा सा गाइज इसमें कचरा आ गया था तो उसको हम लोगों ने छान लिया, तो ये गाइज पानी यहाँ पर है, और इसमें लेते हैं हम लोग नॉर्मल पानी। तो गाइज यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं एक है नॉर्मल पानी गाइज जो ग्राउंड फ्लोर से निकला हुआ है, और एक पानी जो है गाइज वो डायरेक्ट बादलों से आकर इस पॉलिथीन में कलेक्ट हुआ है, उसके बाद गाइज यहाँ पर हमारे पास आ चुका है, और इसमें गाइज क्लीनिंग में आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा फर्क है। ये जो गाइज ग्राउंड फ्लोर से हम लोगों ने पानी निकाला है, ये जो गाइज पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है यहाँ पर, लेकिन ये गाइज पानी जो है थोड़ा सा मैला है, ये हालांकि ये थोड़ा भी मैला नहीं था, इस पर ऊपर से थोड़े से ये जो भूसे वगैरह थोड़े से आ गए थे इधर उधर से उड़कर, उसके अलावा ये मैला नहीं था, इसको हम लोगों ने पहले ही क्लीन कर लिया था, तो इससे तो गाइज गंदा पानी आने का कोई चांस ही नहीं होता है। गाइज यहाँ पर है ये बारिश का पानी, और यहाँ पर है ये ग्राउंड फ्लोर से निकला हुआ पानी, ये गाइज यानी कि इसको हम लोगों ने सिंपली चापाकल से निकाला हुआ है, और ये गाइज बारिश से हम लोगों ने कलेक्ट किया, और इन दोनों गाइज पानी में आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं, ये जो पानी है कितना ज़्यादा प्योर है और क्रिस्टल क्लियर है, जबकि ये जो गाइज पानी है ये कितना ज़्यादा गंदा है। यहाँ पर गाइज ये इसमें थोड़ी भी गंदगी नहीं थी, क्योंकि हम लोगों ने इसको अच्छे से क्लीनिंग कर लिया था, इस जो थैली है इसको, और इसके अंदर अब जो भी गाइज इम्प्योरिटी है वो है गाइज सबसे बड़ा चीज़ पोल्यूशन। जी हाँ, जो हम लोग पोल्यूशन करते हैं वो हवा में इधर उधर उड़ते ही रहते हैं, धूल वगैरह गाइज उड़ते रहते हैं, वही बारिश के छींटों के साथ गाइज बारिश के बूंदों के साथ इसके अंदर आ जाते हैं, और ये गाइज पानी मैला हो जाता है। तो अब गाइज इतना तो ये क्लीनिंग है ही कि इसको थोड़ा सा पी ही सकते हैं, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे तो हम लोग को इस पानी को तो कैसे भी गाइज पीना ही पड़ेगा। तो चलिए पहले इस पानी को टेस्ट करते हैं, क्योंकि इस पानी को गाइज हम लोग डेली तो टेस्ट करते ही रहते हैं, तो पहले इस पानी को टेस्ट करते हैं। टेस्ट तो गाइज एकदम बहुत ही बढ़िया सा है, हालांकि ये थोड़ा सा ऐसे गंदा सा दिख रहा है, लेकिन इसका टेस्ट जो गाइज बहुत ही नॉर्मल से पानी से बहुत ज़्यादा मीठा गाइज ये पानी है, बिल्कुल इस पानी से तो ये बहुत ही ज़्यादा मीठा पानी है, और इसका सिर्फ यहाँ पर डस्ट वगैरह से गाइज ये पानी यहाँ पर गंदा दिख रहा है, क्योंकि हमारे इस इन्वायरमेंट में ना बहुत सारे धूल कण पोल्यूशन गाइज उड़ते ही रहते हैं, धूल कण उड़ते रहते हैं, हम लोग गाड़ियाँ जो चलाते हैं उसमें धुएं भी गाइज उड़ते रहते हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन रहते हैं, जिसके कारण ये जो बारिश का पानी है ये इम्प्योर हो जाती है, यानी कि प्योरिटी इसकी कम हो जाती है, और यहाँ पर हमें जो पानी मिलता है वो थोड़ा सा मैला मिलता है, और अगर हम लोग इसको कुछ देर के लिए ऐसे ही रख दें तो इसमें का जो गाइज इम्प्योरिटी है वो नीचे बैठ जाएगा, और इसको हम लोग पीने में भी यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे ही बहुत ही इससे ज़्यादा गाइज इससे बढ़िया है इसका गाइज टेस्ट तो मैं बता सकता हूँ कि बहुत, मतलब आपने शायद से कभी टेस्ट नहीं किया होगा तो इसको टेस्ट भी मत कीजिएगा, हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए कर रहे हैं, आपको ऐसा कुछ भी टेस्ट नहीं करना है, आप जो नॉर्मल पानी पीते हैं वही पीना है,
हम लोग आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि ये जगह गाइस पानी है, जब कोई आपदा में फंसे या फिर कोई जरूरी में गाइस आप लोग फंसे तब इसको पी सकते हैं। जहाँ पर नॉर्मल हमें पानी ना मिले तब आप इसको बारिश के पानी को कलेक्ट करके पी सकते हैं, लेकिन ऐसे पीना इसको सही नहीं होगा, क्योंकि गाइस ये जो पानी है ना बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड रहता है, यानी कि इसके अंदर डस्ट वगैरह पोल्यूशन जो धुएँ गाड़ी के होते हैं, चिमनी के धुएँ होते हैं, वो सब इसमें गाइस मिक्स हुए रहते हैं। इसको हर टाइम पीना तो सही नहीं है, कभी कभी गाइस ये चलेगा, क्योंकि कभी हम लोग इमरजेंसी सिचुएशन में इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे नॉर्मल में गाइस इसको यूज करना है अपने हेल्थ को खराब करने के बराबर ही, इसे हेल्थ से गाइस खिलवाड़ करना ही होगा। तो आई होप कि आपको ये कंपैरिजन जरूर से पसंद आया, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मजेदार वीडियो चैनल पर आते रहते हैं।